हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजीज को ब्रेक डाउन करना कि आप एक स्ट्रेटजी को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किस तरह से कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि इसकी जरूरत क्या है, मुझे एक स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन क्यों करना है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग की पहली शर्त ये है कि आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। अगर आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, ऑप्शन पोजिशंस को मैनेज करना नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत रिस्की वेंचर है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको जानना कितना जरूरी है। लेकिन अब एडजस्टमेंट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब जिस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एडजस्टमेंट्स का जानना जरूरी है, उसी तरह से एडजस्टमेंट्स को जानने के लिए एक स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स का जानना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रेटजी बनी कैसे है, उसके कंपोनेंट क्या है। अगर आपको एक स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स का नहीं पता है, वो बनी कैसे है उसका नहीं पता है, तो आप उसके एडजस्टमेंट्स को नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके कि आप एक स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन किस तरह से कर सकते हो, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से फिगर आउट कर सकते हो। और जब आप इस चीज को फिगर आउट करना शुरू कर दोगे, जब आपको पता लग जाएगा एक स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो फिर उसके एडजस्टमेंट्स को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रेटजीज को ब्रेक डाउन किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आगे का वीडियो हम स्क्रीन पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक पॉपुलर स्ट्रेटजी को ट्रेड करके, जिसका नाम है आयरन कॉन्डोर। तो देखिए, यहां पे मैं एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करता हूं। तो आयरन कॉन्डोर का सेटअप क्या है, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16850 पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है उससे फर्दर आउट द मनी में जाके, और मान लीजिए मैं 16200 का एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। 17200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है और इससे 200 पॉइंट फर्दर आउट द मनी जाके और 17400 पे मैंने हैज बाई किया है। और इसी तरह मैं पुट साइड में जाऊंगा और यहां पे भी 35 डेल्टा का मैं एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा, दैट इज 16500, इसका एक लोट मैंने सेल किया और यहां से 200 पॉइंट आउट द मनी जाके और मैं हैज बाई करूंगा, तो मैं 16300 पे आके और ये मैंने एक हैज बाई कर लिया है। तो ये सेटअप है, इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। मैंने एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड किया है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो देखिए, यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 6600 रुपीज का है, मेरा मैक्सिमम लॉस है ये 3300 रुपीज का है। तो ये सेटअप है, इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। तो ये एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको मैं आपको फर्दर ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं कि ये बने कैसे है। आयरन कॉन्डोर है, ये कॉम्बिनेशन होता है बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड का, और साथ ही ये कॉम्बिनेशन है लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल का भी। तो ये दोनों ही मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं और मैंने क्या किया, 17200 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है और नीचे की तरफ 16500 का एक पुट ऑप्शन सेल किया है। तो ये आप देखिए, ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है। अब उसी तरह से मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं और यहां पे अब मैं क्या करूंगा, 16500 से 200 आउट द मनी, दैट इज 16300 का पुट ऑप्शन मैं बाई करूंगा और उसी तरह से 17200 से 200 पॉइंट आउट द मनी, दैट इज 17400 का एक कॉल ऑप्शन मैं बाई करूंगा और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये जो सेटअप है, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो देखिए, यहां पे आप देखिए, ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है और ये एक लॉन्ग स्ट्रैंगल है। शॉर्ट स्ट्रैंगल के स्ट्राइक्स कौन से हैं, 17200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, 16500 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो ये बनती है एक शॉर्ट स्ट्रैंगल। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 25000 रुपीज का है और मेरा मैक्सिमम लॉस है ये अनलिमिटेड है। वहीं पे अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। यहां पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये अनडिफाइंड है, लेकिन मैक्सिमम लॉस है ये डिफाइंड है और ये कितना है, 18000 रुपीज का। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में जहां पे आपको लॉस हो रहा है, एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में जहां पे आपको लॉस हो रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप देखिए, ये लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसी को बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। देखिए, ये जो आयरन कॉन्डोर है, इट इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड ए शॉर्ट स्ट्रैंगल, और वही मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिखाया है। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है और ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है। तो इन दोनों को कंपेयर करके आयरन कॉन्डोर बनी है, जो हमारा ये सेटअप है। तो देखिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है इसमें क्या था, दोनों तरफ अनलिमिटेड लॉस था। अगर मार्केट इस रेंज में रहता तो मुझे प्रॉफिट होता, मेरा प्रॉफिट था वो अच्छा खासा था, मुझे यहां पे 25000 रुपीज का प्रॉफिट होता। लेकिन मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ हेजेस बाई कर लिए हैं, दैट मींस मैंने एक स्ट्रैंगल को बाई कर लिया है। और स्ट्रैंगल को बाई करते हैं तो यहां पे आप देखिए, दोनों तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दोनों तरफ दिख रहा है,
इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस है दोनों तरफ, इसको ये हटा रहा है, इसके लिए कंपनसेट कर रहा है। मतलब इन दोनों स्ट्रेटजीज को जब मैंने मिला दिया तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस हो रहा था इसको कंपनसेट क्या कर रहा है, जो लॉन्ग स्ट्रैंगल मैंने बाई की है उसमें यहाँ पे जो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है वो इस लॉस के लिए कंपनसेट कर रहा है, वो इस लॉस को हेज कर रहा है। और इसीलिए जब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये एक आयरन कॉन्डोर बन गई। और यहाँ पे आयरन कॉन्डोर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 6600 रुपीज का है, लेकिन एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 25,000 रुपीज का। तो ये जो 25,000 रुपीज का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था, ये जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था। तो ये जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है ऑलमोस्ट 500 रुपीज का, इसी में से कुछ पैसा खर्च करके और मैंने ये लॉन्ग स्ट्रैंगल परचेज की है। लॉन्ग स्ट्रैंगल को परचेज करने के लिए मैंने 189 प्लस 183 ये पैसा खर्च किया है, और ये पैसा खर्च मैंने अपनी पॉकेट से नहीं किया है, मैंने जो क्रेडिट रिसीव किया था इसी में से पैसा खर्च करके और ये लॉन्ग स्ट्रैंगल मैंने बाई कर ली है। और क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट रिसीव किया है इस पैसे को खर्च करके और मैंने हेजेस बाई किए हैं, इस वजह से जो मैक्सिमम प्रॉफिट 25,000 रुपीज का था वो यहाँ पे कम हो गया और 6600 रुपीज का रह गया है। तो ये है एक आयरन कॉन्डोर और ये एक कॉम्बिनेशन है लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल का। तो एक तो इसका कंपोनेंट ये बनता है, दूसरा कंपोनेंट क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए एक आयरन कॉन्डोर है, ये कॉम्बिनेशन होती है बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड का। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देखिए इसको मैं हटा देता हूं। 17200 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है, 17200 का मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे आता है तब तो ठीक है, मुझे प्रॉफिट होगा, 12,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है ये अनलिमिटेड है। तो मुझे ये अनलिमिटेड लॉस नहीं रखना है, मैं क्या करूंगा, मैंने जो 17200 का कॉल ऑप्शन सेल किया है जिसके लिए 253 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव किए हैं, इन्हीं 253 रुपीज में से कुछ पैसा मैं खर्च करके और यहाँ पे हैज बाई करूंगा। मैं अपनी पॉकेट से पैसा नहीं दे रहा हूं, जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है इसी में से थोड़ा खर्च करके और यहाँ पे मैं हैज बाई करूंगा। तो 253 रुपीज में से और मैं ऊपर जाके 17400 जिसका प्रीमियम 183 रुपीज है, ये 183 रुपीज में मार्केट को पे कर दूंगा और यहाँ पे ये हैज में बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। 253 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव किए थे, उसमें से मैंने 183 रुपीज खर्च कर दिए, 183 रुपीज स्पेंड करके और मैंने एक हेज बाई कर लिया है, और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 3500 रुपीज का है, और नीचे की तरफ जहां पे मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था उस लॉस को मैंने कैप कर दिया है, अब मेरा मैक्सिमम लॉस है ये 6400 रुपीज का है। तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड, इसमें जब मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो ये बियर कॉल स्प्रेड है। उसी तरह से आप देखिए मैं नीचे की तरफ जाता हूं, मान लीजिए 16500 का पुट ऑप्शन मैं सेल करता हूं 251 रुपीस में, तो ये देखिए ये मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 12,500 रुपीस का, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस है ये अनलिमिटेड है। तो मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए, इस लॉस को मुझे हटाना है, और इस लॉस को मैं कैसे हटाऊंगा, एक हेज बाई करके, लेकिन वो हेज बाई करने के लिए जो पैसा मैं खर्च करूंगा वो अपनी पॉकेट से मैं स्पेंड नहीं करूंगा, ये जो 251 रुपीस मैंने मार्केट से रिसीव किए हैं इसी में से कुछ पैसा मैं खर्च करके और यहाँ पे हेज बाई करूंगा, ताकि यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस है इसको मैं हटा सकूं। तो यहाँ पे आप देखिए 16500 का पुट ऑप्शन सेल करके 251 रुपीस जो मैंने रिसीव किए हैं, तो इसमें से मैं कुछ पैसा खर्च करूंगा, 16500 से मैं 200 पॉइंट नीचे गया, और 16300 का पुट ऑप्शन जो कि ट्रेड हो रहा है 189 रुपीस पे, इसका एक लॉट में बाई कर लूंगा। तो यहां पे आप देखिए मैंने क्या किया है, 251 रुपीज जो मैंने मार्केट से रिसीव किए थे उसमें से 189 रुपीज मैंने वापस मार्केट को दे दिए, 189 रुपीज मैंने खर्च करके और एक हैज बाई कर लिया है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब नीचे की तरफ जो मेरा लॉस है ये कैप हो गया है, अब मुझे मैक्सिमम 6800 रुपीज का लॉस हो सकता है, पहले ये लॉस अनलिमिटेड था, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 3100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अब आप देखिए ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पुट ऑप्शन से बना है और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो इसका नेचर है ये बुलिश है, और ये बना किससे है, पुट ऑप्शन से, इसलिए इसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। और यहां पे जो सेटअप है इसको बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। इसको बियर कॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो इसका नेचर है ये बेरिश है, लेकिन ये बना किससे है, कॉल ऑप्शन से, इसलिए इसको बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। तो अब आप देखिए ये बियर कॉल स्प्रेड और ये बुल पुट स्प्रेड, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो स्ट्रेटजी बनती है इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है,
ये 6600 रुपीस का है। तो ये 6600 रुपीस का प्रॉफिट कैसे आया है, यहाँ पे आप देखिए ये 3500 और यहाँ पे आप देखिए ये 3100। 3500 प्लस 3100 अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये आता है 6600। और वही यहाँ पे आप देखिए आपकी आयरन कॉन्डोर है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना है 6600 रुपीस का। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करना है, देखना है कि उसके कंपोनेंट क्या है। जब आप उसके कंपोनेंट्स को समझोगे आपको पता लगेगा ये स्ट्रेटजी बनी कैसे है, तभी आप उसमें एडजस्टमेंट कर पाओगे, तभी आप उसके एडजस्टमेंट को समझ पाओगे। एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आप एडजस्टमेंट्स को मास्टर करना चाहते हो, उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हो, तो आप एक स्ट्रेटजी की बनावट को समझिए कि वो स्ट्रेटजी बनी कैसी है, उसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, और तभी आप समझ पाओगे कि इसमें मुझे किस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहिए, यहां मैं किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूं। तो चलिए जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, सबसे बेस्ट वे है टू लर्न ऑप्शंस। जब आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज को ब्रेक डाउन करके देखते हो, तब आप लिंक से लिंक कनेक्ट करना शुरू करते हो, तब आपको पता लगेगा कि जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये कॉम्बिनेशन होती हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, और जब आप इस चीज को समझना शुरू कर दोगे तो आपके लिए उन स्ट्रेटजीज में एडजस्टमेंट करना काफी इजी हो जाएगा। तो यहां पे आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप यहां पे थोड़ा टाइम दीजिए, स्ट्रेटजीज को समझना शुरू कीजिए। जितना आप स्ट्रेटजीज को समझोगे उतना ही आपके लिए एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो इजी होती जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।